नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट देव कुमार। आप देख रहे हो डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं आपके लिए कौन सी एक बाइक लेके आया हूं या एक स्कूटर लेके आया हूं, जिसको आप एक सेकेंड हैंड के रूप में परचेस कर सकते हो। तो कौन सी है बाइक, कौन सा है स्कूटर, पूरा अंडर रिव्यू करेंगे, पूरा चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि तभी भी मैं कोई भी सेकेंड बाइक का या कार का या स्कूटर का वीडियो बनाऊँ या तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगी। नहीं वरना फिर बाद में आप कमेंट करके पूछोगे कि भैया, जिनकी गाड़ी है उनके कॉन्टैक्ट नंबर तो आपने दिए ही नहीं। मैं वीडियो में उनके कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उनकी सारी डिटेल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, पहले जो मैंने आपको अंडर रिव्यू करने से पहले जो मैंने बाइक के सिनेमैटिक या उस स्कूटर के सिनेमैटिक शॉट क्रिएट किए हैं, आप पहले वो सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए, फिर उसका हम टोटली अंडर रिव्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले आप उसके सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए। तो दोस्तों, सिनेमैटिक्स में मैंने आपको स्कूटी की हर एक चीज़, हर एक पार्ट आपको दिखाने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सबसे दोस्तों, मेन बात कर लेते हैं उसके अब अंडर रिव्यू की। तो अंडर रिव्यू में सबसे पहले हम पार्ट लेते हैं कि वो कौन सा मॉडल है और कौन से ईयर का मॉडल है। दोस्तों बात करते हैं, वो है TVS का जुपिटर है। TVS जुपिटर जो कि बहुत ही बढ़िया आती है माइलेज में, माइलेज का किंग माना जाता है एक प्रकार से। तो माइलेज में एक TVS जुपिटर है और बढ़िया गाड़ी है। और बात कर लेते हैं उसके ईयर ऑफ मॉडल की, कौन से ईयर का मॉडल है। तो दोस्तों, वो सन 2014 का मॉडल है। तो आज से तकरीबन 6-6.5 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है और इंजन कंडीशन अभी गुडविल कंडीशन में है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उसके किलोमीटर की, कितने किलोमीटर रन है। तो दोस्तों, मात्र 25,000 किलोमीटर चली हुई है, ज़्यादा नहीं चली हुई। अब किलोमीटर की जब बात आती है तो आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार, सन 2014 का मॉडल है और ये अभी तक 25,000 किलोमीटर चली। तो भैया, मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल जेन्युइन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे डीलर द्वारा इस मीटर को रिफ्रेश किया गया है या रीसेट किया गया है, बिल्कुल जेन्युइन है। 25,000 किलोमीटर या इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी 25,000 किलोमीटर के लगभग ये चली हुई है। बात करते हैं इसकी टायर कंडीशन की, तो 25,000 में कौन सा टायर घिसने वाले, तो टायर भी अभी गुडविल कंडीशन में है। बात कर लेते हैं इसके कलर की, तो आप जैसे कि आपने सिनेमैटिक शॉट में देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा, तो ये वाइट कलर का स्कूटी है, बिल्कुल वाइट कलर, जो कि सबको पसंद आता है, सबको अच्छा लगता है। और स्कूटियों में अधिकतर वाइट कलर ही सबसे अच्छा लगता है। और अब बात कर लेते हैं इसके रजिस्ट्रिकेशन की, कि कहाँ पे किस RTO में रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, RJ14 यानी राजस्थान जयपुर में ही रजिस्टर्ड है, तो जयपुर वालों के लिए तो सबसे बेस्ट होने वाली है। और बात करता हूँ मैं अभी, रुको थोड़ी पूरी बात सुन। जयपुर के अलावा अगर आप अन्य किसी राज्य से, अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट से, राज्य से नहीं सॉरी, अगर राजस्थान के अलावा आप अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट, जयपुर के अलावा अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो बिल्कुल आप इस बाइक को परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप बिल्कुल अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इसको चला सकते हो। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जिनकी ये बाइक है उनके कॉन्टैक्ट नंबर की। तो साइड में कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, तो आप इनसे ही बात करके बाइक की डीलिंग ले सकते हैं, पूरी जानकारी इनसे आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके एड्रेस की। तो पूरा एड्रेस तो अनलीगल काम हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जयपुर सिटी का एड्रेस है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी आप कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके पूछ लेना। और सबसे मेन दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। काफ़ी लोग प्राइस के बारे में देखने के लिए वीडियो पे आए, तो आपको मैं बता दूँ, इसकी प्राइस 45,000 रुपये, जो कि बिल्कुल नेगोशिएशन प्राइस है। 45,000 रुपये बिल्कुल नेगोशिएशन प्राइस है।
40,000 प्राइस बिल्कुल नेगोशिएशन है। ऐसा नहीं कि आप यार 40,000 सुन के ही सोच लो, डीलर से बात करो भैया, जो भी होगा बाइक को देखो, टेस्ट ड्राइव करो, फिर तो प्राइस फिक्स होगी ना। ये तो बिल्कुल एक नेगोशिएशन प्राइस के रूप में मांगी जाती है 40,000 रुपये। और अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, हमारे डीलर या हमारे बाइक ओनर्स आपको किसी भी कंडीशन में पहले एडवांस पेमेंट करने के लिए नहीं बोलेंगे। आपको एडवांस पेमेंट करना भी नहीं है जब तक कि आप 100% सर्टिफाई हो जाओ। जब तक आप 100% सर्टिफाई होने के बाद ही बाइक परचेस करें, बाइक का पेमेंट करें। एडवांस पेमेंट किसी को भी सेंड मत करना, हो सकता है आपका कुछ नुकसान हो सकता है। हमारे डीलर किसी भी कंडीशन में आपसे एडवांस पेमेंट नहीं लेंगे, और अगर कोई लेता है तो आपके साथ वो फ्रॉड हो सकता है। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में भैया, एडवांस पेमेंट किसी को भी पे मत करना। और दोस्तों मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ, हम ऑल इंडिया की रिक्वायरमेंट लाए हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ, हम ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप भारत में किसी भी कोने में बैठे बैठे अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे अन्य किसी स्टेट के हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए और किस जगह की चाहिए। आपके लिए वहीं का वीडियो लाऊंगा, लेकिन आप बताएगी तभी तो मुझे पता लगेगा। दोस्तों ऑल इंडिया में आपको मुझे बताइए कमेंट करके, आपके लिए गाड़ी लेके आऊंगा, वीडियो लेके आऊंगा। अभी तो मैं जयपुर राजस्थान की वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं लोकल हूं यहां का, तो यहीं के बनाऊंगा। और आप बताओगे तो आप बताओगे जहां के बनाऊंगा, लेकिन आप बताओगे तभी तो मुझे पता लग पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। दोस्तों मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में एक और बाइक के साथ, सेकेंड बाइक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, सलामत रहे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।